वेलकम बैक। तो पहले लेक्चर में हमने पंचायती राज सिस्टम का बैकग्राउंड देखा और उस बैकग्राउंड में हमने दो कमेटी के बारे में पढ़ा। वहाँ से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताया, तो वो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको नोट डाउन करके वहाँ पी बनाते हुए चलिए। तो नोट्स में पी बनाते हुए जाएंगे तो रिविज़न में बड़ी आसान होगी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे देखिए क्या होता है। तो अभी जो हमारी क्लास कम्प्लीट हुई थी उसमें मैंने आपको ये इस वाले पेज पर कंप्लीट हुआ कि हमने देखा था कि दो, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी और एक अशोक मेहता कमेटी, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो द्विस्तरीय यानी टू टीयर सिस्टम के बारे में बात करी थी तो वो हमने देख ही लिया था। फिर हमने देखा था कि मंडल पंचायत के गठन का प्रावधान किया था, ये भी देख लिया था। और फिर जो निम्न स्तर पर थी वो ग्राम पंचायत, उसकी समाप्ति की बात की कि उसकी ज़रूरत नहीं। मतलब जो पंचायती राज का जो बेसिक था कि ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करना है, इनको हमें बहुत मजबूत करना है, तो इसके लिए ग्राम पंचायत शब्द वाला पार्ट ही गायब कर दिया। तो इसके बाद ये रिकमेंडेशन हुई थी, यहाँ तक हुई। तब ग्राम पंचायतों पे समाप्ति की बात करी, अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है हमारा। यहाँ तक हमने देख लिया था क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जब ग्राम पंचायत पे समाप्ति की बात, यहाँ से हम मैं ब्लैक पेन ले लूँ, यहाँ से ग्राम पंचायत की समाप्ति की बात कर दी हमने, ये तो वैसे भी लागू नहीं होने वाली थी। ग्राम पंचायत की समाप्ति यहाँ तक। अब इसके बाद, और हाँ, मैंने आपको नोट्स के बारे में तो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप बना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके जितना हम पढ़ते जाएंगे वो शुरुआत से लेके आखिरी तक का कवर होता जाएगा। ग्राम पंचायतों की बात की गई, ये भी कहा गया इसमें कि जो चुनाव है वो बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे कि राजनीतिक दलों के होते हैं, कांग्रेस जैसे लड़ती है, बीजेपी जैसे लड़ती है, चुनाव उसी प्रकार से होना चाहिए। तो चुनाव राजनीतिक दलों की तरह, ये वाली बात की। लेकिन अब इसी के बाद क्या हुआ, तो जैसे इन्होंने चीज़ें लॉन्च की थी कि सत्ता परिवर्तन, तो पुनः फिर से क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। अब सत्ता परिवर्तन में फिर से कौन आई, कांग्रेस आई। अब कांग्रेस आई तो इन्होंने अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को पढ़ा और फिर उसके बाद ये जो रिपोर्ट थी ये राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं की गई। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, से रिपोर्ट वर नॉट एक्सेप्टेड, स्वीकार नहीं की। तो फिर क्या किया फिर, और क्या कुछ करें, तो इन्होंने क्या किया, 25 मार्च, ये फिर ट्री का क्वेश्चन आता है, 25 मार्च 1985 को GVK राव समिति का गठन किया। GVK राव समिति का गठन किया, फिर से हमारी तीसरी समिति है, तो ये देखिए थर्ड समिति है। तो GVK राव, इसकी डेट याद रखना है, यहाँ तक इस समिति का गठन किया। इससे कहा कि भैया पुराना जो था उसे वापस से स्टडी करके अब क्या हमें करना चाहिए उसकी बात की। तो यहाँ पे इसने पुराना पूरा स्टडी किया और कहा कि भैया क्या है, जो राज्य सरकारें हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती हैं, जहाँ हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वहाँ पे वो एकदम न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है, मतलब अपनी शक्ति नीचे हस्तांतरित करने के नाम पे एकदम साइलेंट हो जाती है। तो वो जो इच्छा शक्ति ही नहीं है उसकी वजह से ये चीज़ें, सिस्टम ये सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा है। तो राज्य सरकार की उदासीनता ही रिस्पॉन्सिबल है, राज्य सरकार की उदासीनता, वो भी किस चीज़ के लिए, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये राज्य सरकार नहीं चाहती है। अब जब राज्य सरकार अपनी शक्ति नहीं देगी तो पंचायतों को जब शक्ति ही नहीं मिलेगी तो उसके अभाव में वो क्या हो जाएगी, पंचायत किसी काम की नहीं रहेंगी, निष्प्रभावी रहेंगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज द पंचायती सिस्टम्स विल बी यूजलेस। सो इन दिस वे अगेन GVK राव समिति ने बताया कि ये तो पुराने वालों का है, अब एक नया कंसेप्ट ये लेके आते हैं, वो अपन देखते हैं। तो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं, इस वजह से ये सिस्टम लागू नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज अपन देखते हैं, यस। अब जो दूसरा इन्होंने बात की कि जो पंचायतें हैं
को राज्य सरकारें ना तो शक्ति देती हैं ना संसाधन देते हैं, तो इनके अभाव में ये किसी भी काम की नहीं है। तो हम जितना भी मेहनत इससे पहले 20 सालों की गई है वो किसी भी काम की नहीं है, तो इसके लिए क्या करें। तो फिर अब इन्होंने दिया एक सुझाव दिया, तो इन्होंने क्या एडवाइस दी और क्या रिकमेंड दिया कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो इन्होंने सुझाव दिया कि हमें ये जो हम बात कर रहे हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन जिसकी वजह से, विकेंद्रीकरण जिसकी वजह से कुछ नहीं होता, इस डिसेंट्रलाइजेशन को हम खुद केंद्र मिलके ही कहाँ पे फोकस कर देते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट पे फोकस कर देते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट को जो है सेंटर का इम्पोर्टेंस बनाएंगे, यानी केंद्रीय महत्व का बना देंगे, तो सेंटर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। मतलब कि अगर जैसे कोई राज्य है तो उस राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और ये है ऊपर सेंटर, तो हम खुद ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब राज्य से कहते हैं हम, क्योंकि राज्य को हमने डीपीएसपी में डाला हुआ है ग्राम पंचायतों के लिए, राज्य को कहते हैं कि तुम ये करो अपने डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम लागू करो, लेकिन राज्य नहीं कर रहा ना। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को सेंटर के से ही डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ कनेक्ट करेंगे तो सेंटर का जब इम्पोर्टेंस हो जाएगा तो अपने आप राज्य जो है सेंटर के अनुरूप काम करने लगेंगे। तो यहाँ पे हमने ये रिकमेंडेशन की, तो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे फोकस किया। तो ये जो पावर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही बोला है, वो भी किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए ये। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब सबसे पहले क्या है, ब्यूरोक्रेट्स यानी ये नौकरशाही है ये केवल जिम्मेदार नहीं होंगी पूरे विकास के लिए, तो नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, केवल इन्हीं पे पूरी जिम्मेदारी नहीं थोपना है कि हमने जो भी हमारा सरकारी अमला काम कर रहा है वो पूरा पूरा काम करेगा, इसके साथ साथ सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ गवर्नमेंट भी आएगी, तो ये लोग चलाएंगे सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स प्लस गवर्नमेंट। अब बात करें ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में कौन आएंगे, यहाँ से अगले पेज पे देखते हैं। देखिए जब गवर्नमेंट की बात आएंगे तो एक तो पीपल यानी कि लोग प्लस इन लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ये तो अब देखिए लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ये कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स को कि भैया तुम ये लागू करो सिस्टम, हम जो बता रहे हैं वैसा वैसा काम करो, ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। तो अल्टीमेटली जो निचले स्तर पे है, जो सबसे बॉटम लेवल पे जो हमारे लोग हैं वहां तक ही चीजें पहुंचेगी। देखो लोग ही बना रहे हैं और लाभ कहाँ तक पहुंच रहा है, लोगों तक ही लाभ पहुंच रहा है, तो इस तरह से जो हमारा बेस है वो मजबूत होगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये फिर साथ साथ में एक और बात कही कि जो चुनाव होंगे इलेक्शन वो कैसे होंगे, रेगुलर होंगे, रेगुलर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में हो रहे हैं, किसी स्टेट में एक लेवल पे ग्राम पंचायतों पे हो रहे हैं तो मंडल पंचायतों पे नहीं हो रहे हैं, किसी में जनपद पे नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ भी सेम टू सेम स्टेटस था जब हमने पंचायती राज सिस्टम लागू किया 63 के अराउंड में, तो तब हमने जब देखा तो हमने देखा कि हमारे सिर्फ ग्राम पंचायतों में चुनाव होते थे, जनपदों में चुनाव नहीं होते थे, फिर कभी जनपद में हुए तो जिला पंचायत में नहीं होते थे, इस तरह का सिस्टम, तो चुनाव रेगुलर नहीं होते थे, तो हमने ये भी कहा। इसके साथ साथ तो ये पूरा का पूरा रहा जीवीके राव का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसने हमें, हम इसे समझते हैं, तो इसने और क्या क्या कहा, तो इसको ऑर्गेनाइज करके जिले को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। अब हम इनके बात करते हैं प्रावधान यानी इम्पोर्टेंट प्रोविजन, यहाँ से पूछ सकते हैं अपन से प्रावधान इम्पोर्टेंट प्रोविजन। अब पहला, सबसे पहला क्या है, जिला परिषद इसकी बात की हम, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की,
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये सभी चीजों के लिए जिम्मेदार होगी। सभी चीजों का मतलब क्या है, कोई भी नीति बनाना, पॉलिसी प्लानिंग यानी कि नीति का नियोजन प्लस उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और उसका क्रियान्वयन, इनके लिए कौन जिम्मेदार होगी, ये होगी जिला परिषद होगी। ये सबसे पहला इसी वाले का, जैसा कि बोला था डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ये हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होगी। इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग होंगे वो क्या होंगे, नीचे नीचे कुछ छोटी छोटी सी उप समितियां बनेंगी। उप समितियां मतलब निचले स्तर से उप समिति आएंगी, और उप समिति क्या करेंगी, ये है अपनी डिस्ट्रिक्ट परिषद। उप समिति इस डिस्ट्रिक्ट परिषद में कौन होगा इसका चुनाव करेगी, और उप समितियों में जो जो होगा वो होगा डायरेक्टली इलेक्टेड। सीधे निर्वाचन से जो लोग आएंगे निचले स्तर पे, यानी कि यहाँ पे एक और स्तर की बात करी, ब्लॉक स्तर जिसे हम कहते हैं, खंड स्तर पे, तो इसमें दो टीयर की बात करी, एक तो टॉप लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम करेंगे, और एक खंड लेवल यानी ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे। तो टॉप बॉटम, तो इसका जो सिस्टम था वो कितना, टू टीयर था कि थ्री टीयर, तो यहाँ से सिर्फ टू टीयर। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक स्तर पे समिति होंगी ये चुनाव लड़ेगी, और यही चुनाव जब जीत के आ जाएंगी तो अपने अपने लोगों को चुन के ये बना देंगी जिला परिषद। तो इस तरह से लोगों ने इन्हें चुना, इन्हीं ने उन्हें चुन लिया, तो डिस्ट्रिक्ट परिषद पे क्या बैठ गई, परिषद हो गई, वो परिषद बनाएगी नीति की कैसे काम करना है। तो ग्रामीण विकास अगर करना है विलेज लेवल पे, तो उसके डेवलपमेंट का जिम्मा दे दिया इन्हें, ये जो ब्लॉक लेवल पे जो भी समितियाँ बनेंगी ये पूरा डेवलपमेंट इन्हें पॉलिसी बनाना है निचले स्तर पे, और उसके ऊपर वाले स्तर पे पॉलिसी बनाएगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो इन्होंने टू टीयर वाला सिस्टम लागू किया, और जो सीटें होंगी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुपात में होंगी, मतलब जितनी संख्या जिस भी वर्ग की होगी उस वर्ग से उतनी ही प्रतिनिधि चुनाव में आएंगे, उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। तो डिस्ट्रिक्ट परिषद और उप समितियाँ काम करेंगी, उप समिति निचले लेवल पर हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऊपरी स्तर पर, ये इसने रिकमेंड की। अब जैसे ही ये हुई तो इसकी अनुशंसाएं देखो, जो पुराना जो चला आ रहा था सिस्टम बलवंत राय मेहता, उससे एकदम क्या हुआ, अलग विपरीत हुई। पर अब तो ये जो अनुशंसाएं थी, ये अनुशंसाएं पूर्व से विपरीत थी। क्यों, क्योंकि पूर्व में तो चल रहा था थ्री टीयर सिस्टम करो, और इस वाली समिति ने फिर से वही दो चीजों में बांट दी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेगा और एक खंड लेवल यानी कि ब्लॉक लेवल पे चलेगा, इन दो लेवल पे। तो इसकी रिकमेंडेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसके बाद एक और समिति 1986 में बना दी, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति बना दी गई। तो 86 में LM सिंघवी कमेटी का गठन कर दिया गया, और इसके हाथों फिर इसने जो कुछ कहा ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के प्रोविज़न पूछे जाते हैं और इसका ईयर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से अपने क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा इस स्लाइड से, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे बात की, एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा सिंघवी कमेटी किस ईयर में बनी थी, ये बन जाएगा। इससे पहले वाले पेज पे, प्रीवियस पेज पे क्वेश्चन बन जाएगा कि किस कमेटी की अनुशंसा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायती राज सिस्टम को या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ज़्यादा जोर दिया गया डिस्ट्रिक्ट पे, तो ये बन जाएगा यहाँ से इस समिति ने, जीवी के राव समिति ने। और इससे पहले वाली स्लाइड से क्वेश्चन अगर अपन देखें, सुझाव पंचायत शक्ति, यहाँ पे इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ, यहाँ से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक ये वाला जो मैंने बताया था पिछली समिति में ग्राम पंचायतों की समाप्ति की बात कर दी, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये इतने सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यही प्री के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट नेक्स्ट
एलएम सिंघवी समिति। अब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सिंघवी समिति पर, देखिए थोड़ा सा टैब में लिखना अभी बिगिनिंग है तो इसलिए दिक्कत होती है, प्लीज़ थोड़ा राइटिंग वगैरह तो बड़ी गंदी आती है। एलएम सिंघवी समिति, तो सबसे पहले सिंघवी समिति ने कहा कि यार पुराना सब कुछ इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक इच्छा ही नहीं है, तो यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होगा इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। पिछली वाली ने पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही शो नहीं किया, तो राजनीतिक इच्छा के अभाव की वजह से हुआ नहीं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एलएम सिंघवी समिति, इसका 73rd बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 73rd, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उसी का बेस बना है, क्योंकि वो तो कह देगी ये करना ही है तो अपन को वो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ग्राम सभा मतलब क्या, इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसको हम यहीं पे एलएम सिंघवी पर ख़त्म करेंगे, फिर उसको अलग से कवर करेंगे। तो राजनीतिक इच्छा ही नहीं है और साथ में पंचायत का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, अवधारणा, वही क्लियर नहीं है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वही क्लियर नहीं हुआ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस सिस्टम वॉज नॉट क्लियर, तो वही क्लियर नहीं है, ये भी स्पष्ट नहीं कि क्या करना है, जिलों को स्पष्ट बताओ, वो भी नहीं हुआ, तो ये भी हो। अब इन्होंने क्या किया, जिस तरह से पिछली वाली कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट पे जोर दिया, इस कमेटी ने ग्राम सभा पे जोर दिया, यानी कि वहाँ टॉप पे बात चल रही थी, यहाँ पे इसको वापस से पुनर्जीवित किया, इसको वापस से पुनर्जीवित किया। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन गया, ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने का काम इस समिति ने किया। दूसरा, तो ये हुए ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, जैसे ये गांव है, कई गांवों को मिलकर वहां के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, ये विलेजेस हैं, ऐसा नहीं हर गांव के लिए ग्राम सभा, वो डिपेंड करेगा, कई गांवों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो एक ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने का काम, और इसने सिर्फ ग्राम सभा को पुनर्जीवित नहीं किया, इसने इसे कहा गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अवतार, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अवतार ये कहा गया। तो ये कथन पूछ सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अवतार किस चीज को कहा गया है और किस कमेटी की रिकमेंडेशन से कहा है, तो ये दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया, यानी कि इनकार्नेशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हर एक एक समिति से एक एक क्वेश्चन बनते हैं जिस पे वो उन्होंने बेसिकली काम किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कहा कि पंचायती राज सिस्टम को संविधान में ही रख दो कहीं पे, ताकि कंपलसरी हो जाए कहीं पे, तो इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक दर्जा देने की बात करें, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, किस समिति की रिकमेंडेशन पर पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड कराने की अनुशंसा हुई, संविधान में जगह ही दे दी, कमेंडमेंट लेके आ जाए, तो ये दूसरी पॉइंट की गई। तो दूसरा, पहला ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया, तो इस समिति ने किया। दूसरा है, इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया, तो इसने किया। इसके बाद जो है तीसरा, अब चुनाव में सरकार कितनी भागीदार होगी इस पर कुछ भी नहीं कहा, पर यह है कि इन्होंने गांव के समूह से ग्राम पंचायत की बात की, गांव का समूह बनेगा और सॉरी ग्राम में न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत की भी घोषणा की थी, तो न्याय पंचायत भी कई गांवों के लिए बनाई। न्याय पंचायत का काम क्या है, कुछ अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई होती है, तो उसको रिजॉल्व करना। तो न्याय पंचायत की बात की, संवैधानिक दर्जा की दिया और ग्राम सभा को पुनर्जीवित किया, इस बेसिस पे एलएम सिंघवी समिति। कुछ राज्यों ने इसका पालन भी किया, लेकिन कई राज्यों में फिर चुनाव रेगुलर नहीं होते थे, कभी ग्राम पंचायत स्तर पर होते थे तो जनपद पर नहीं होते थे, जनपद पर होते थे तो जिला पर नहीं होते थे, इस तरह से फिर से ये उस तरह से काम नहीं कर पाई। इसके लिए राजीव गांधी ने स्वयं जिला कलेक्टरों की कार्यशाला, एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई और वहाँ पे इनको समझाया कि ऐसे करना है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक संविधान में अगर ना कर दिया जाए
स्पेस ना दे दी जाए तब तक नहीं हो सका। इसके लिए एक एक्ट भी लेके आए, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो अल्टीमेटली फिर राजीव गांधी की डेथ हुई, नई सरकार आई, पीवी नरसिंह राव सरकार, और उसने राजीव गांधी के द्वारा जो प्रस्ताव था उसमें कुछ संशोधन किए और फिर नए सिरे से लागू किया। इसे वही अपना संविधान संशोधन बना पंचायती राज के लिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और उसके बाद राज्यों को कंपलसरी हो गया कि अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो एक हम यहाँ पे देखें, उसके बाद अगली क्लास में हमारा 73rd। इसके लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, 64वां अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। बट ये पारित नहीं हुआ, और उसके बाद फिर 73rd आएगा जो हमें डिटेल में पढ़ना है, उस पर एक लेक्चर अलग से हुआ, फिर हमारा एमपी डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने इतना पढ़ा कि यहाँ से देखो ये तीनों न्याय पंचायत की रिकमेंडेशन, संवैधानिक दर्जा, ग्राम सभा, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अवतार, ये इस पर एल एम सिंह भी समिति ने कहा है। तो उम्मीद है आपको इतना पसंद आया होगा, शेयर करें, लोगों को बोलें कि इस यहाँ पर भी पढ़ाई चल रही है, और इसके अकॉर्डिंगली मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दूंगा, उसमें ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे जो हैंड रिटन है, मैंने खुद ने लिखे हुए हैं। तो बाकी हम कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।